Now question number 2. Why are we looking at alternate sources of energy? इस सेक्शन में एक्चुअली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, या हमारे एनर्जी नीड को वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं, मतलब किसी और तरीके से भी एनर्जी को डिराइव करने के मेथड्स ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ढूंढ रहे हैं उसका आपको प्रॉपर इलस्ट्रेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आंसर इज आवर बेसिक नीड फॉर एनर्जी इज मेट थ्रू फॉसिल फ्यूल्स टिल डेट। आज भी हमारी जो बेसिक नीड है एनर्जी की वो किससे फुलफिल होती है? फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिलने आती है, और ट्रांसपोर्टेशन में जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं जैसे कोल, जैसे कार्स, ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा, इनमें सब जो है पेट्रोल एंड डीजल यूज होता है। कहने का मतलब है फॉसिल फ्यूल्स की अभी लगातार जो है हमारी जो यूज चल रहा है अभी तक, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहेंगे अगर तो फॉसिल फ्यूल से ही डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। Fossil fuels are non-renewable sources of energy and their reserves are limited in the earth. अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एक बार अगर यूज हो गए दोबारा इनका यूज नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने यूज कर लिया और ये दोबारा बना लेंगे और फिर यूज करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। Hence we should conserve them. तो इनके जो रिजर्व्स बहुत लिमिटेड हैं अर्थ के अंदर, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बने हैं, तो अगर इसको हम इसी तरह से यूज करते जाएंगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, मतलब सुरक्षित रखना चाहिए, कम यूज करना चाहिए, ठीक है। इफ वी कंटिन्यू यूजिंग दिस सोर्सेस एट सेम करंट रेट, ऑल ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स विल गेट डिप्लीटेड इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स and we would face an energy crisis. अगर हम इसी रेट से हर जगह इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब जो रिजर्व जहां पे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, और हमारी डिपेंडेंस इन्हीं फ्यूल्स पे है एनर्जी के लिए। इसका मतलब एनर्जी डिराइव करने के लिए कोई सोर्सेस नहीं होगा, राइट? तो क्या होगा? एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। एनर्जी क्राइसिस का मतलब एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होना हमारी नीड के लिए, ओके। ऐसी स्थिति ना आए इसीलिए एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी को लगातार ढूंढ रहे हैं। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं प्रेजेंट डेट में? ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम सी विच आर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मेनली सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम सी जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी, ये सारे जो सोर्सेस हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। पानी पूरा मौजूद है, उसको आप जितना भी यूज कर लो, वाटर साइकिल के बाद वो वापस ही आ जाता है, ठीक है। तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। सन लगातार हमको एनर्जी देता जा रहा है, उसको भी हम सोलर एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हीट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो सोर्सेस हैं वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और इन्हीं को हम ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। और भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी आज की डेट में ढूंढा जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी को भी कह सकते हैं ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन उसमें जो हजार्ड्स हैं, हजार्ड्स का मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आगे चल के उसके जो डिस्पोजल में, न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल में, उसकी वजह से उसको उतना पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जा रहा है। तो ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम मेनली अभी सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम सी को पोटेंशियल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है।